वो कनेक्ट लाइव वेबिनार को ज्वाइन करते समय यदि आपको किसी तरह का समस्या हो रहा है या ज्वाइन करते समय किसी तरह का एरर नोटिफिकेशन आ जाता है और आप वो कनेक्ट लाइव वेबिनार को ज्वाइन नहीं कर पाते हैं तो यह वीडियो आपके बहुत काम की है। इस वीडियो को अंत तक पूरा देखने के बाद आप अगले वो कनेक्ट लाइव वेबिनार को आसानी से ज्वाइन कर पाएंगे, क्योंकि इस वीडियो में हम वो कनेक्ट लाइव वेबिनार को ज्वाइन करने का आसान तरीका बताने वाले हैं। साथ ही यदि आपके दिमाग में डिवाइस अपडेट को लेकर या हाई स्पीड इंटरनेट को लेकर कोई सवाल घूम रहा है तो उसे भी हम इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं, जिसके बारे में जानने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आप वो कनेक्ट लाइव वेबिनार को ज्वाइन कर सकेंगे या नहीं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंटरनेट कनेक्शन और इंटरनेट स्पीड को लेकर। यदि आपके पास कोई भी इंटरनेट कनेक्शन है, चाहे वह ब्रॉडबैंड का है, फाइबर केबल का है, 5G मोबाइल या हॉटस्पॉट है या 4G मोबाइल या हॉटस्पॉट है, आपके पास कोई भी इंटरनेट कनेक्शन है जिसमें 5 MB प्रति सेकेंड के आसपास नेट स्पीड दे रहा है तो आप वो कनेक्ट लाइव वेबिनार को ज्वाइन कर सकते हैं। यानी यदि आपके पास 4G मोबाइल है और उसमें नेट स्पीड को लेकर कोई समस्या नहीं है, उसमें अच्छी नेट स्पीड मिल रहा है तो आप वो कनेक्ट लाइव वेबिनार को ज्वाइन कर सकते हैं। बस आपका इंटरनेट स्पीड 5 MB प्रति सेकेंड के आसपास होना चाहिए, क्योंकि वो कनेक्ट पर लाइव वेबिनार के दौरान जब मैंने अपना नेट स्पीड चेक किया तो उस समय उस वेबिनार में 4-5 हज़ार प्रति KBPS से ऊपर इंटरनेट डेटा खर्च हो रहा था और कभी कभी तो यह उससे 3-4 गुना ऊपर भी चला जाता था, जिसे आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। इसलिए यदि आपका इंटरनेट स्पीड 5 MBPS प्रति सेकेंड के आसपास है तो आप आसानी से वो कनेक्ट लाइव वेबिनार को ज्वाइन कर सकते हैं। अब आपके दिमाग में वो कनेक्ट पर लाइव वेबिनार में शामिल होने के लिए इंटरनेट स्पीड को लेकर कोई सवाल नहीं होगा। अब डिवाइस अपडेट के बारे में बात करते हैं। यदि आपके पास कोई सा भी वेब ब्राउजर डिवाइस है, जैसे वह डिवाइस मोबाइल फोन, टैबलेट, PC या लैपटॉप हो सकता है, यदि आपके पास स्मार्ट TV है और उसमें क्रोम ब्राउजर इंस्टॉल है तो आप उस TV से भी वो कनेक्ट लाइव वेबिनार को ज्वाइन कर सकते हैं। यानी आपके पास जो भी डिवाइस है उसमें इंस्टॉल क्रोम ब्राउजर को अपडेट कर देना है। उसके बाद जो लिंक वो फाउंडर के पॉपअप नोटिफिकेशन में शेयर किया जाता है, उस लिंक को वहां से कॉपी करके क्रोम ब्राउजर के URL बार में पेस्ट करके इंटर कर देना है। इंटर करते ही आपके स्क्रीन पर वो कनेक्ट का लॉगिन पेज ओपन हो जाएगा, या जब आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो भी आप वो कनेक्ट के लॉगिन पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर आपको दो बॉक्स दिखाई देगा। एक बॉक्स में अपना पूरा ओमेल ID भरना है जो @omil.ai के साथ होना चाहिए, और दूसरे बॉक्स में वह पासवर्ड भरना है जिसे वो फाउंडर्स के पॉपअप नोटिफिकेशन में शेयर किया जाता है। कई फाउंडर यहाँ पर अपना ही पासवर्ड भर देते हैं जिससे उन्हें इस तरह का एरर नोटिफिकेशन आता है और वे वेबिनार में शामिल नहीं हो पाते हैं। पासवर्ड भरने के बाद लॉगिन बटन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आप वो कनेक्ट लाइव वेबिनार में शामिल हो जाएंगे और आपके सामने लाइव वेबिनार का इंटरफेस स्क्रीन पर दिखाई देने लगेगा। इस तरह से आप वो कनेक्ट के लाइव वेबिनार में शामिल हो सकते हैं।